सीटू के बैनर तले आज विभिन्न श्रम संघों ने पंचायत भवन से हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक रोष रैली निकाली और मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी, मनरेगा, आशा वर्कर और अन्य कई संगठनों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया। इस मौके पर माकपा विधायक राकेश सिंघा भी खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शन में बैठे लोगों को संबोधित किया। आम जनता विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, मनरेगा में 300 रुपया दिहाड़ी देनी होगी, श्रम कानूनों में फेर बदल नहीं चलेगा। सरकार को चिंता नहीं, ये कहने से क्या होता है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। सीटू के बैनर तले आज हजारों की संख्या में श्रम संगठनों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मार्च किया। इस मार्च के बाद विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। संगठनों ने मांग उठाई कि सभी के लिए न्यूनतम वेतन के तहत कम से कम 400 रुपए मजदूरी तय की जाए, आउटसोर्स के लिए नीति बनाने के साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने की भी मांग उठाई गई। इसके साथ ही मनरेगा के तहत भी तय मजदूरी देने और ठेका प्रथा को बंद करने की मांग उठाई गई। महंगाई कम होगी क्या? गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था, आज कितने का हो गया? 900 रुपए का। नियमित भर्ती आप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के बाहर जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मिलने का इरादा है। अगर वो मिलेंगे अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल मिलना चाहिए उनको, उनको पता होना चाहिए कि लोग आए हैं। तो अगर वो बात हमारी मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे निश्चित तौर पर। सीटू नेता कश्मीर सिंह ने कहा कि मजदूरों की मांगों को लेकर सीटू के तहत आज बड़ा प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन सरकार तक मजदूरों की मांगों को पहुंचाने और उन्हें पूरा करने के लिए किया गया है। कश्मीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो वर्तमान स्थितियां हैं उससे लगता ही नहीं है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज है। मजदूरों की स्थिति बेहद खराब है। वास्तव में ये जो जन सैलाब उमड़ा है आज, ये हमारी उम्मीद से भी परे है। हमने उम्मीद किया था कि 2000 के आसपास लोग आएंगे शायद, क्योंकि पीछे आंगनबाड़ी का भी एक प्रदर्शन हुआ था, परंतु आप देखेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन आज तक सीआईटीयू के नेतृत्व में आज तक हुआ नहीं है। वास्तव में क्या है, मजदूर ये मांग कर रहा है कि आप जो न्यूनतम वेतन है, जो केंद्र सरकार भी छलावा कर रही है, आप 21,000 रुपया करो। 21,000 नहीं करना, अरे 400 रुपया दिहाड़ी तो कर दो, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दो, ये हमारा मांग है। आउटसोर्स के लिए आपने कहा था चुनाव से पहले, आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, रेगुलर करने की नीति बनाएंगे। आज तक रेगुलर करने का कोई नीति नहीं हुआ, अब तो सरकार ने कह दिया कि आउटसोर्स के लिए कोई नीति नहीं बनेगा। बड़ी तादाद में आप देखेंगे जो महिलाएं आगे बैठी हैं, ये सारा मनरेगा वर्कर है जो अलग अलग जिलों से आया, जिसमें बड़ी संख्या में हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इन एरिया से आया है, ऊना से आया है। क्या इशू है? मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परंतु 100 दिन का क्या, 10 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। पंचायतों में ठेका हो रहा है, डीसी ने ऑर्डर कर दिया ठेका नहीं होगा, वीडियो ने ऑर्डर कर दिया हमीरपुर में 5 वीडियो ने, कोई ठेका नहीं होगा, उसके बावजूद जो है ठेके हो रहे हैं और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल भी रहा है तो दिहाड़ी 45 रुपये, 50 रुपये। इसलिए लोगों में रोष है कि ये जो है, ये सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, और इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा और बात है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है, निर्माण मजदूरों के लिए बना है, उसका चेयरमैन है श्रम मंत्री विक्रम सिंह जी। अब पिछले 3 सालों से बहुत सारे जिलों के अंदर सामान उनको मिलता है, इंडक्शन है, साइकिल है, सोलर लैंप है और दूसरी और चीजें हैं, वजीफा बच्चों को मिलता है, जो निर्माण मजदूर है उनके बच्चों को, पिछले 2 साल से वजीफा ही नहीं आया। तो लोग ये कह रहे हैं कि कल्याण बोर्ड काहे के लिए, 1300 करोड़ है कल्याण बोर्ड में जमा, 1300 करोड़, ब्याज भी खर्च नहीं हो रहा है। अरे एमएलए को समय नहीं है, मंत्री को समय नहीं है, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कि अगर ये श्रमिक कल्याण बोर्ड में लाभ नहीं देने हैं आपने, अगर ये सारा वजीफा, ये सारा चीजें नहीं देनी है, तो फिर जो है कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर मोर्चा लगेगा, इंडेफिनेट लगेगा, अनिश्चितकालीन मोर्चा कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर लगेगा, वो हम लगाएंगे निश्चित तौर पर, हजारों लोग आएंगे। इसलिए जो है अब मिड डे मील वर्कर का आया है, यहाँ दूसरे लोग आए हैं, बिजली का वर्कर आया जो आउटसोर्स है,
दस दस सालों से काम कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है रेगुलर करेंगे, सारी जिंदगी लगा देंगे, ठेका पर सारा काम हो रहा है, तो इसलिए हाइडल कवर कराया है। ये सारे मजदूर जो है इसलिए आए हैं कि सरकार जो है बहुत परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रही है, और सरकार नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।